कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, इन सारे कॉन्सेप्ट और इनके क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। जिन्होंने पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे एडवाइस किया जा रहा है कि आप इससे पहले पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जरूर देख लें। पार्ट फाइव में आज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ पॉलीगॉन कैसे निकालेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग ये ड्राइव करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे वो फार्मूला बना और किस तरीके से आया। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो अगर ए बी सी ट्राइंगल कंसिडर करा जाए और उसके वर्टाइसेस हिंदी में शीर्ष बोलते हैं और ए बी बी सी साइड्स हैं, तीन साइड्स हैं, तीन वर्टाइसेस हैं, एक ट्राइंगल है। जो भी पॉइंट्स हमने लिए हैं वो एक रेखा में नहीं है, रेखा में ना होने की वजह से एक ट्राइंगल बनेगा। उसकी तीन वर्टाइसेस एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री अगर कंसिडर करते हैं तो ट्राइंगल का एरिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जहाँ पे 1 बाई टू पहली वाली रो में पहली वाली वर्टाइसेस x1 का y1 और लास्ट वाला एलिमेंट 1 लेते हैं, ऐसे ही x2 by 2 1, x3 by 3 1 अगर इसको सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकली इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इस फार्मूले से हम लोग पा सकते हैं। या इस फार्मूले को हम दूसरे तरीके से भी याद करते हैं, 1 बाई टू एक्स वन ब्रैकेट के अंदर वाई टू माइनस वाई वन प्लस एक्स टू। अब एक ऑर्डर है 1 2, देखिए यहाँ पे मिस हो गया 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। वैसे वैसे ध्यान रखना है कि यहाँ x1 आएगा तो ब्रैकेट के अंदर y के आएंगे, फिर x आएगा y के आएंगे, x आया y के आएंगे। तो फार्मूला याद करने का एक तरीका है, वो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं या इस तरीके से। अब हमें देखना है कि फार्मूला जो ड्राइव हुआ वो ऐसा क्यों हुआ, इसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी हमने बात की कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं, उसके जस्ट बाद एक ट्रेपेजियम कंसिडर किया तो देखा जाए तो थोड़ा सा अकवर्ड है कि ट्राइंगल और ट्रेपेजियम में रिलेशन क्या है, ट्रेपेजियम का फार्मूला एरिया का क्यों लिखा गया। अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, मुश्किल से 5 मिनट का अगर पेशेंस रखते हैं, अगर आगे जाके 5 मिनट में आगे बात करेंगे तो सारी चीज़ें परत दर परत खुल जाएंगी। पहले देखते हैं कि ट्रेपेजियम ए बी सी डी कंसीडर किया। ट्रेपेजियम में हम जैसा जानते हैं कि दो साइड्स पैरेलल हो और बाकी दो साइड्स पैरेलल हो या ना हो, और पहले ही बता चुके हैं कि ट्रेपेजियम स्क्वायर भी एक ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल भी एक ट्रेपेजियम है, रोम्बस भी ट्रेपेजियम है, जो सारे स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटर हैं वो सारे ट्रेपेजियम की कैटेगरी में आते हैं। ट्रेपेजियम कहता है कि दो साइड्स पैरेलल हो, बाकी दोनों साइड्स पैरेलल हो या ना हो। तो स्क्वायर और रोम्बस और रेक्टेंगल में दो साइड्स आमने सामने की पैरेलल होती हैं, बाकी वाली दो भी साइड पैरेलल होती हैं, तो वो भी एक ट्रेपेजियम है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालते हैं, 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। जैसे यहाँ पे देखें तो ए बी और सी डी पैरेलल साइड्स है। अगर मानते हैं कि ये एल है, ये लेंथ एल है और ये लेंथ एल वन है, तो देखें यहाँ पर हमने एक ये रेक्टेंगल कंसीडर कर लिया, ये ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, तो ये भी एल होगी। तो इसको प्रैक्टिकली देखें तो 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यहाँ पे इस साइड की लेंथ क्या होगी, एल प्लस एल वन प्लस एल और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। सपोज ये वाला जो पैरेलल साइड्स हैं, अगर इसकी डिस्टेंस बी है तो ये भी क्या होगी, बी होगी, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स बी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बार ध्यान दें तो 2l प्लस l1 इंटू बी, यहाँ पर ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। अब हम लोग इसको पार्ट वाइज देखें, इसको दो पार्ट कर दें, एक इसका पार्ट हम लें जो एक आयत या रेक्टेंगल कंसीडर किया गया है, ए देखें यहाँ पे ए एल सी और डी, तो इस आयत में इस भुजा की लेंथ एल दी गई है और इस भुजा की लेंथ बी दी गई है, स्मॉल बी, और यहाँ पे दिखाया गया कि ये भी क्या है, एल है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ALCD। तो जैसा कि आप आयत का क्षेत्रफल जो आप कैलकुलेट करते हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई या लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इस आयत का क्षेत्रफल होगा L × B। एक पार्ट हमने यहाँ पे लिया है, इस पार्ट और इस पार्ट को ज्वाइन करके पूरा पार्ट बना है। तो एक इसका पार्ट ये भी है जो ट्राइंगल यहाँ कंसीडर किया गया, ये ट्राइंगल है L, B और C। अब ट्राइंगल का एरिया, एरिया ट्राइंगल LBC होता है हाफ बेस, तो ये बेस जो लिया गया वो L1 लिया गया आपके सामने है, और हाइट B है, तो हाफ L1 × B। अब एरिया क्या होता है, रीजन है, रीजन उसको दो पार्ट में या तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन दोनों पार्ट के रीजन का सम पूरा एरिया होगा कि नहीं, अगर हम इसको Δ1 माने और इसको Δ2 माने और इस पूरे एरिया को Δ माने, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, Δ = Δ1 + Δ2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका इसका एरिया पूरे होना चाहिए। तो हम लोग वेरीफाई करते हैं, Δ1 कितना निकाला है वहाँ पे हमने देखे LB, और Δ2 निकाला है हाफ L1 B। अगर आप देखें तो B कॉमन हो गया, तो L + ½ L1 और B बाहर आ गया। 1/2 को बाहर लें तो 1/2 बाहर लें तो 2L + L1 × B आया। आपके सामने है कि डेल्टा यहाँ पे कैलकुलेट किया था, Δ1 + Δ2 डेल्टा के बराबर आ गया। तो इतनी चीज़ को हमने यहाँ पर देखा। अभी देखा जाए तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम लोग देखने वाले हैं आगे। अगर हम एक स्क्वायर लें तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे साइड की लेंथ L और ये भी L होगी, तो L का स्क्वायर। अगर हम इसको ट्रेपेजियम कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें, तो ट्रेपेजियम में बताया गया था कि हाफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये साइड और ये साइड को अगर पैरेलल लें तो ये दोनों साइड्स की लेंथ क्या हो जाएगी, L + L, और ब्रेथ या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड तो L हो जाएगी × L, तो हाफ 2L × L, तो क्या हो जाएगा L²। तो अगर स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर है तो ट्रेपेजियम के कॉन्सेप्ट से अगर प्रूव किया गया तो वही आ गया, ठीक। अब हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल कंसीडर किया, इसका एरिया अगर आपको पता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ LB होगा, बट हम इसको ट्रेपेजियम कंसीडर करते हैं। जैसा कि बताया गया है कि सारे आप क्वाड्रिलेटर को एक ट्रेपेजियम कंसीडर कर सकते हैं। ट्रेपेजियम क्या कहता है कि हाफ पैरेलल साइड्स का सम, तो ये पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है, दोनों की लेंथ क्या है L और L, तो L + L, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या है B, तो यहाँ पे आ गया हाफ 2L × B, तो क्या आया LB, ठीक है। किसी पैरेललोग्राम का एरिया अगर निकाला जाता है तो कहा जाता है कि बेस × हाइट, यहाँ पे बेस AB है और हाइट LD है, LD। अगर हम इसको ट्रेपेजियम कंसीडर करें तो हाफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये L है और ये भी L होगी, तो L + L, और दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस, तो यहाँ पर AD ना होके LD हो गई। तो इसको देखेंगे तो 2L/2, तो L × LD होगा। तो यहाँ पे देखा कि आप कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसका एरिया का फॉर्मूला आपने याद किया है, बेसिकली देखा जाए तो ट्रेपेजियम के जो फार्मूला है वही बेसिक फार्मूला है, उसी से ही स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस या कोई भी क्वाड्रिलेटर जो स्पेसिफिक है सबके एरिया ट्रेपेजियम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसी ट्रेपेजियम के कॉन्सेप्ट को जो हमने यहाँ पे लगाया है उसी कॉन्सेप्ट को ट्राइंगल के एरिया को कैलकुलेट करने में लगाते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे उस फार्मूले को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने ट्राइंगल हमने बनाया है, ट्राइंगल की साइड ऐसी भी ले सकते थे, और ऐसी लेने से आपको ये रेक्टेंगल देखने लगता, तो हमने जानबूझ के साइड ऐसी ली है, ठीक है, क्योंकि एक जनरल ट्राइंगल ऐसा हो सकता था। मैंने बोला कि ट्राइंगल की साइड ऐसी भी ले सकते थे जिससे कि ये रेक्टेंगल बन सकता था, ठीक है, और ऐसा लिया कि जिससे कि जनरली वो रेक्टेंगल ना दिखाई पड़े।
एक बात हम और रिमाइंड कराते हैं कि ट्रेपेजियम से क्यों जा रहे हैं हम। ठीक, तो जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की बात करें, तो सिंपल एक ट्राइंगल अगर है एबीसी, तो एरिया ट्राइंगल जो होता है, एरिया ट्राइंगल का एक सिग्निफिकेंट सिंपल ये है कि हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस बीसी हाइट एएल, ठीक है। मगर आप यहां पे सिंपल आप देखिए ये चीज, अगर खुद से सोचिए कि ए बी सी, एक्स वन कहां वाई वन, एक्स टू कहां वाई टू, एक्स थ्री कहां वाई थ्री। अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में सोचिए तो बी सी बेस और हाइट निकालना कोऑर्डिनेट्स के टर्म में थोड़ा टफ हो जाएगा, क्वाइट टफ हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके फॉर्मूले 1/2 AB साइन सी, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, डेल्टा बराबर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में 1/2 AB साइन सी है, बताया गया था, ठीक है। रूट के अंदर एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है, ठीक है। इस टाइप के फॉर्मूले वहाँ पे हैं, मेनली हमारा फार्मूला यही है कि हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। तो यहाँ पे हाफ बेस, देखो बेस नहीं निकाल पाएंगे ना, बेस तो ये है जबकि लेना हमें ये है, तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तो हम लोग फोकस करते हैं, तो ट्रेपेजियम यहाँ पे एक देखिए ट्रेपेजियम है ए एल एम सी, ठीक है। एक ट्रेपेजियम है सी एम एन बी, एक ट्रेपेजियम है ए एल एन बी, ठीक। एक ही पूरा ट्रेपेजियम है कि नहीं, देखिए दो पैरेलल साइड्स हैं और बाकी दो साइड्स नॉन पैरेलल हैं। एक ट्रेपेजियम यह है कि नहीं, इसमें दो पैरेलल साइड्स हैं, बाकी ये वाली वही वाली नॉन पैरेलल। एक ट्रेपेजियम देखो ये है, इसमें कैसी है, देखो ये वाली साइड्स, ये वाली साइड पैरेलल है कि नहीं, और ये दो साइड्स कैसी हैं, नॉन पैरेलल। इतना समझ आया कि नहीं, ठीक, ओके। अब इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया डेल्टा वन मानते हैं, इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया डेल्टा टू मानते हैं, इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया डेल्टा थ्री मानते हैं, ठीक है, ओके। तीन ट्रेपेजियम हमने यहाँ पर दिखाए, यहाँ पे ये पैरेलल है, यहाँ पे इस वाले ट्रेपेजियम ये पैरेलल है, और इस वाले ट्रेपेजियम में ये दो साइड्स पैरेलल हैं, इस वाले ट्रेपेजियम में इनके एरिया डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री ले लिया। तो यहाँ देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू माइनस डेल्टा थ्री। अब ध्यान दें तो पूरा एरिया ये लिया, पूरा एरिया ये लिया, उसमें से ये एरिया निकाल दिया, तो ये एरिया बचा कि नहीं, ओके। तो इस तरीके से हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब हम लोग डेल्टा वन देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने पीछे के ट्यूटोरियल में देखा था कि ट्रेपेजियम का मतलब, एरिया का मतलब होता हाफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। इसको हम अभी तक फोकस नहीं किया, ये हम फॉर्मूला दोबारा पीछे लिख चुके हैं, आपको याद होगा। अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो इस ट्रेपेजियम कंसीडर करें, तो ये पॉइंट अगर एक्स वन का वाई वन है तो ये साइड वाई वन हो गई, ओके। अगर इस वाली साइड को कंसीडर करें तो ये साइड वाई वन हो गई, और ये साइड क्या हो गई पूरी, इस साइड की लेंथ क्या हो गई वहां से यहां तक वाई थ्री, क्या हो गई, हो गई कि नहीं। तो पैरेलल साइड्स की लेंथ वाई वन प्लस वाई थ्री, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स तो हमें ये निकालना है, यह निकालना है। तो ये है एक्स वन और ये है एक्स थ्री, तो यहां पे हुआ एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, ओके। ऐसे डायरेक्टली डेल्टा टू निकालेंगे तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये देखिए वाई थ्री है और ये वाई टू है, वाई टू है कि नहीं, तो वाई थ्री प्लस वाई टू। अब हमें ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, तो ये एक्स थ्री है और ये एक्स टू है, तो एक्स टू माइनस एक्स थ्री। यहाँ पे देखिए पूरा एक्स टू है
ये एक्स थ्री है तो एक्स टू माइनस एक्स थ्री हो गया कि नहीं। डेल्टा थ्री निकालें, वन बाई टू समा पैरेलल साइड्स, ये साइड और ये साइड्स को हमने पैरेलल माना है, ये वाई वन है और ये क्या है वाई टू, ध्यान दें वाई वन और वाई टू, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये दो साइड्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस ये होगी कि नहीं, बोलिए इन दो साइड्स के पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस यही तो है, ठीक है। तो ये देखिए ये साइड ये पूरा कितना है x2 और ये कितना है x1, ये पूरा x2 है ये x1, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे 1 बाई टू देखिए बाहर कॉमन हुआ, अब ये यहाँ पे रखें तो y1 प्लस y3 और दूसरे ब्रैकेट में x3 माइनस x1 प्लस y3 प्लस y2 x2 माइनस x3 माइनस y1 प्लस y2 x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखें आप इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई ये सारा मल्टीप्लाई यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दें x1 y1 माइनस का है और यहाँ पे x1 y1 प्लस का है कैंसिल हुआ, x2 y2 प्लस का है और x2 y2 माइनस का है तो सेकेंड स्टेप ये कैंसिल हो गया, और y3 x3 थर्ड स्टेप ये कैंसिल हो गया, तो ये एक स्टेप कैंसिल हो गया, बाकी स्टेप्स को आप जब मैनेज करेंगे तो ये वाला ये सारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसी को हमें प्रूव करना था, इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये दोनों फार्मूले ट्रायंगल के कैसे आए इस पर हमने बात की। देखा जाए तो अगर आप पूरे ट्यूटोरियल को देखा होगा तो लगा होगा कि आप डेप्थ में चले गए, कोई बात नहीं, हमने बोला ही कि अब हम इस बात के लिए नहीं पढ़ा रहे कि ट्रिक्स शॉर्टकट इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आपको बस ये फार्मूला कैसे आया था इस फार्मूले को प्रूविंग दिखाई है। कोई ना कोई अगर इसको लास्ट तक गया होगा, मुझे लगता है कि ऐसे वीडियोस में बहुत कम लोग इसको पेशेंस से बाहर गए होंगे, बट जो बाहर तक अभी तक यहाँ तक पहुँचा होगा वो समझ गया होगा कि इसको नॉर्मली आसानी से प्रूफ नहीं किया जा सकता है और ये शायद पहली बार आपके साथ हुआ होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस एरिया ऑफ ट्राइंगल के कितने बनते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देते हैं, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो हम क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहे हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ाए हैं, बट बार बार एक एक कॉन्सेप्ट पे इतने सारे क्वेश्चंस ले आना कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो क्वेश्चंस अगर बार बार हम दे रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा पाए हैं तो आप उसको नोट डाउन कर लें, जैसे कोलिनियर यहाँ पे क्वेश्चंस हम बार बार दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, आगे हम कराएंगे, या आपने आप खुद से कर लें। असाइनमेंट्स का मतलब ये भी होता है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी क्वेश्चंस आप लगाएं, ठीक है। कहीं पर समस्या आती है तो हमें आप ज़रूर बताएं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बोर्ड पे हैं, सब मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में हमने लिखा है, कोलिनियर वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला अभी हमने नहीं बताया है। तो अभी तक जितने कॉन्सेप्ट बताए हैं उससे जो आपसे लग पा रहे हैं वो, और देखिए ऐसा है कि 15 मिनट या 20 मिनट के वीडियो में आप जानते हैं कि जो क्लास 3 घंटे की होती है उस कॉन्सेप्ट को मैं 15 मिनट्स में बाइंड नहीं कर सकता हूँ और अपनी स्पीड को बढ़ाऊँगा तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो जो नेचुरल स्पीड है उसी से हम लोग चलेंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा एफर्ट अपने साइड से भी करना है। कन्वर्सेशन के लिए हम लोग अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स रखेंगे जिससे आपकी बात कर पाएँ, और जब भी आप ट्यूटोरियल देखें कोई भी फीडबैक या कोई भी चीज़ सुधार के लिए लगती है आप ज़रूर बताएँ, इससे हम भी इनकरेज होंगे और आपको उस सुधार के साथ आगे आएंगे, ठीक है। आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और अच्छा कुछ करेंगे, प्रयास करेंगे। थैंक यू।